हेलो जी, सीकाल की हाल चल मैं सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं चर 71। आज आपको दिखा रहे हैं कवरेज हम मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की, और हमारे साथ जो सीधे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि आजाद जी। पहले भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, तो आज एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन करूंगा कि स्टेज पर दिखाए कितना ज्यादा जनसमूह है किसानों का और सभी का। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से, और आपको दिखाना चाहते हैं कि आज किस तरीके से लाखों की संख्या में जो किसान महापंचायत में किसान पहुंचे। तो रवि आजाद जी, सबसे पहले आपका मैं चैनल पर स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की महापंचायत को लेकर, कितना जो आपको मेहनत करनी पड़ी, क्या कुछ आज का निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, पहली बात तो आज जितनी मेहनत आज के लिए की गई, जनता ने उसका 10 गुना ज्यादा ताकत इस महापंचायत को देने का काम किया। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज की महापंचायत ऐतिहासिक है और सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आज की महापंचायत ने एक नया इतिहास और स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला काम किया है। आप देखिए कि मैदान में केवल 5% लोग हैं, मुजफ्फरनगर के चारों ओर सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक लाखों की संख्या में किसान, नौजवान, माताएं, बहनें यहां आना चाहती हैं लेकिन आ नहीं पा रही हैं। उसके बावजूद आप देख रहे लगातार, कभी यहाँ इंटरनेट बंद किया जा रहा है, कभी जो है ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, कभी उत्तर प्रदेश की पुलिस, कभी हरियाणा की पुलिस किसानों को यहाँ आने से रोक रही है। लेकिन जो हुजूम उमड़ा है वो या तो 1978 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय में उमड़ा था, और आज दोबारा इस जन आंदोलन के समर्थन में इतना बड़ा समर्थन कि कोई ऐसा राज्य मुश्किल से होगा, चाहे भले ही संख्या कम हो उस राज्य से, लेकिन यहाँ उनकी हाजिरी है। आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन की महापंचायत देखी जा सकती है कि लाखों की संख्या में जाए, सिंगू बॉर्डर में भी इतनी जनसंख्या शायद कम दिखती है, लेकिन आज बहुत तगड़ा जनसमूह है जो वो यहाँ पर देखा गया है ना जी, बहुत बड़ा। जो क्योंकि आज मुद्दा मिशन उत्तर प्रदेश का था, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन मिशन उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, आज पूरी इस महापंचायत को और मुजफ्फरनगर के चारों ओर देख के ये लग रहा कि मिशन भारत की शुरुआत हो गई है, भाजपा मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले यूपी चुनावों में भी इस महापंचायत का बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया इस रैली में। बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी से योगी सरकार की घर वापसी होगी, और योगी सरकार की घर वापसी होगी तो 2024 में केंद्र से मोदी सरकार की घर वापसी भी होने वाली है। और यहाँ तो अगर हम बात करें तो यहाँ 50 का आंकड़ा बीजेपी उत्तर प्रदेश में छू नहीं पाएगी, या तो बीजेपी वाले जाग जाएं, नहीं तो फिर लड़ाई आमने सामने की है। एक तरफ देश को बेचने वाले लोग सरकारों में बैठे हैं, तो दूसरी तरफ देश को बचाने वाले लोग आंदोलन के अंदर बैठे हैं। अब लड़ाई जो है वो सत्य और असत्य के बीच में है, लड़ाई अब न्याय और अन्याय के बीच में है, अब सच्चाई और झूठ के बीच में लड़ाई है, देशद्रोह और देशभक्तों के बीच में लड़ाई है, और जीत जो है वो केवल सत्य की होगी, जीत केवल देशभक्तों की होगी। आज मतलब कि इतनी ज्यादा संख्या में किसान पहुंच चुके हैं, जो सोचा था उससे भी बढ़कर किसान पहुंचे हैं। 5 तारीख का ऐलान था, अब करनाल में जो 6 तारीख का अल्टीमेटम दे रखा है, उसके बाद 7 तारीख को करनाल में बहुत बड़ा है, जिला सचिव का घेराव किया गया है, लाठीचार्ज हुए था, उसका भी किस तरीके से करेंगे? देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आज का जो नजारा है वो देखने के बाद बीजेपी वालों को नींद नहीं आने वाली, और नींद छोड़िए, नींद की गोली ले लेंगे तो भी नींद नहीं आओगी, उनका इलाज किया जाएगा। ये जो देश बेचने वाले लोग हैं, देश की जमीन बेचने वाले लोग हैं, जो सुई से लेकर के जहाज तक पे अडानी अंबानी का कब्जा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रोटी उनकी मर्जी से मिले, कब मिले, कितनी मिले, किस रेट में मिले, ये अडानी और अंबानी इस देश में तय नहीं करेगा। फसलों के फैसले किसान करेगा इस देश के अंदर, और हर आदमी को रोटी मिले ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी। जो बात आप कह रहे करनाल की, आज का जो माहौल है उसको देख करके तो मोदी सरकार की चारों टांगें हिल रही हैं, तो खट्टर सरकार का कोई भी उतना नहीं, हम तो उनको ये कह रहे कि यहाँ का नज़ारा देख करके वो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं। पहले भी कई जगह उनके घुटने टिके, उनकी नाक रगड़वाई गई है, माफ़ी मांगी है सरकार और प्रशासन ने, और नहीं तो फिर 6 तारीख जो है, 6 तारीख की डेडलाइन जो कल समाप्त हो रही है, और 7 तारीख को जो है वहाँ
अनाज मंडी में इकट्ठे होकर के और सेक्रेटरिएट के घेराव का अनिश्चितकालीन कार्यक्रम है। जो हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए सरकारी नौकरी, उसके परिवार को आर्थिक मदद, घायलों की आर्थिक मदद 2 लाख रुपए की, इसी के साथ में जो दोषी अधिकारी हैं एसडीएम सहित सभी दोषी अधिकारियों पे मुकदमा, उनका टर्मिनेशन, उनकी गिरफ्तारी, और इसी के साथ में जो हमारी गाड़ियों को जो झंडे लगाए हुए जो वहाँ वाहन खड़े थे उनको भी तोड़ा गया। हम ये बात करें मुजफ्फरनगर से कि खट्टर सरकार सावधान हो जाए, नहीं तो फिर वो हमारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं और हम उनकी सरकार की टांगें तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। कहीं ना कहीं आज जो है जरूरत से ज्यादा, कहते हैं ना कि किसान तो खेतों में है यहाँ नहीं है, ये आज जो लोग आए हैं ये तो ना तो किसी के बुलाए से आए हैं, ये तो अपने आप ही जनसमूह पहुंचाना है यहाँ पर। तो भाजपा की शायद नींद तो क्या अब चैन खो गया होगा, आज की इस महापंचायत को देख के उनका तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, क्या लगता है क्या जवाब? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आज से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आज से भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, आज से भाजपा का खात्मा शुरू हो चुका है। और आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक आंदोलन जो 9 महीने से चल रहा, जो देश को बचाने का आंदोलन है, जो आने वाली पीढ़ियों को बचाने का आंदोलन है, इस देश में रोजगार रोजी रोटी को बचाने का आंदोलन है, अब उस आंदोलन के साथ सारे वर्ग खड़े हैं, सब जातियां धर्म खड़े हैं। अब मुद्दा केवल और केवल एक है, एक तरफ देशभक्त खड़े हैं, एक तरफ देशद्रोही खड़े हैं, और लड़ाई हमारे बीच में सीधी है और सीधी लड़ाई में हमेशा देशभक्त जीते हैं। और ये जो वो धरती है, यहाँ से बाबा टिकैत ने किसान आंदोलनों को एक नई दशा दी, ये वो धरती है जहाँ से चौधरी चरण सिंह जी ने भारत की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया, ये वो धरती है जहाँ पर एक गेम खेल करके बीजेपी लखनऊ की सत्ता पर काबिज होगी, ये वो प्रदेश है जो तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश जाग चुका है, पूरा देश जाग चुका है, अब आरएसएस बीजेपी और इनके सहयोगियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मैं तो कहूँगा इनके सहयोगियों को, ये डूबती हुई जहाज है, इससे उतर जाइए, नहीं तो ये तो डूबे ही डूबेंगे, अपने जो सहयोगी पार्टी हैं उनको भी ले डूबेंगे। कहते थे कि यूपी में टिकैत का बहुत विरोध है, यूपी में टिकैत जी को पूछता नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा तमाचा होगा ना उन लोगों के लिए जो भी ट्रोल करते थे। नहीं, यूपी आज यहाँ लाखों की संख्या में है, इसके साथ में जो है आप देखिए कि यूपी के साथ साथ में आप देखेंगे कि हरियाणा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आया हुआ है, हरियाणा ने भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, इतना हरियाणा कभी आज तक अपने प्रदेश से बाहर इतनी बड़ी संख्या के साथ नहीं आया। तो निश्चित तौर पर जो है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि नींद आराम हो चुकी है, और पहले ही ये बात कह रहा हूँ कि नींद की गोली ले लेंगे तो भी नींद नहीं आने वाली है। और आज ये तय हो चुका है कि ये आंदोलन अब हर चूल्हे तक पहुँच चुका है, अब ये आंदोलन बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक का है, ये आंदोलन आपका भी है, ये आंदोलन हमारा भी है, ये आंदोलन जो डंडे लेकर के हमें पीट रहे हैं उनकी पीढ़ियों का भी है, ये निश्चित तौर के ऊपर आज तय हो चुका है। रवि आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा रवि आजाद ने किस तरीके से जवाब दिया, आपको सारी एक सूची तस्वीरें जो हैं HSM TV के माध्यम से हम आपको पल पल की अपडेट देंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए HSM TV।